अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं पेट्रोल डीजल के विषय में। इस फैसले से कम हो सकते हैं कच्चे माल तेल के दाम। जरिए भारत में कब से सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। ओपेक और सहयोगी देशों से जुलाई में ये योजना बनाई जाती थी कि जब तक पिछले साल के उत्पादन की कटौती पूरी नहीं हो जाती तब तक हर महीने 4 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन को बढ़ाएगी। कोरोना वायरस महामारी के मामले में कम होने से एक बार फिर से दुनिया में सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में विश्व में कच्चे तेल की मांग बढ़ी है, इसका कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है असर। तेल में निर्यातक देशों में संगठन और रूस की अगुवाई में सहयोगी देशों को बुधवार को धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने को लेकर सहमति जताई। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार और ईंधन मांग से तेजी आना है। तेल निर्यातक देशों के संगठन तथा सहयोगी देशों को ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। समूह में ऑनलाइन बैठक में 1 अक्टूबर से प्रतिदिन 4 लाख बैरल उत्पादन जोड़ने की पहले से योजना में सहमति जताई। ओपेक और सहयोगी देशों में पिछले साल लॉकडाउन और यात्रा पाबंदियों के कारण ईंधन की मांग कमी को देखते उत्पादन में कटौती थी। अब धीरे धीरे उत्पादन कटौती को समाप्त कर रहे हैं। कीमतों में भी हो सकती है कटौती। उत्पादन बढ़ेगा तो डिमांड पूरी होगी और इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिख सकता है और दाम में गिरावट आ सकती है। बैठक से पहले तेल की कीमत में नरमी रही। तेल की कीमत न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में 1.6% घटकर $67.40 प्रति बैरल रही। नई वैश्विक मानक ब्रेड फूड 1.4% घटकर $70.67 प्रति बैरल आ गया है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा YouTube चैनल अपडेट पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।